इंसान के साथ का यही। तो भाई ये है वो कुआं। हेलो भाई, आज जा रहे हैं हम लोग हस्तियापुर जो कौरवों की राजधानी थी, और आज है राजू भाई का बर्थडे। तो भाई राजू भाई को कमेंट में कर देना सारे के सारे विश, और राजू भाई के साथ जाएंगे भाई हमारी पिछली बार जो आपने मनाली की वीडियो देखी होगी उसकी एक लोमड़ी बोल सकते हैं आप, भेड़िया बोल सकते हैं, वो भी जाएगा हमारे साथ, वो है आकाश भैया। तो भाई चलते हैं सीधा और मिलते हैं सीधा राजू भाई के घर। गुरुमान को जानते हो, उनकी ये क्या ले रहा है, पैदाइशी नहीं ले रहे, उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं जीएमएस से, फिटनेस कोर्स। ये बॉडी देख लो भाई की, मजबूत नहीं ब्रो। और आपको इनके इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं, लोग कह रहे हैं भेड़िया भेड़िया कहा है भाई लोगों ने, अब तो अपना इंट्रोडक्शन दे दे इंग्लिश में थोड़ा। ना ना, ना। रिच भेड़िया बहुत प्यारा। मैं ऑस्ट्रेलिया से तो आया, और अभी एक वो आ रहा है सांड आ रहा। तो भाई अभी पता क्या हुआ, सामने से एक लड़का आ रहा था, वैगनार ऐसी होगी 80-90 पे, और ऐसे हिला हिला के और दांत दिखा रहा है भाई, ऐसे लोगों से दूर रहे बहुत ज्यादा। पहली बार गाड़ी मिल गई थी शायद उसे, हाँ ये हो सकता है पहली बार गाड़ी मिली। बता रहे कैसे हिला रहा था गाड़ी भाई, कभी होते हैं लोग कुछ, और इनकी वजह से इनका कुछ नहीं होता, दूसरों को चोट लगती है इनकी वजह से। बोलू भाई थोड़ा समझा यार लोगों को, इसलिए ड्राइवर मंगा रखा है भाई, मैं ड्राइवर मंगा रखा, इसलिए हम बिल्कुल प्योर ड्राइवर के साथ चलते हैं बुकिंग पे। राजू भाई बुकिंग पे हमारे आज 800 रुपए पर डे। तो भाई पहुंच गए हम, और राजू भाई बर्थडे बॉय हमारे, बर्थडे बॉय आप तो लोग कमेंट कर दो भाई, बहुत तगड़ी धूप हो रही है। पहुंच गया हस्तिनापुर, मेरठ से ऐसी 30-40 किलोमीटर पड़ता है, और भाई मैं ब्लॉग कर रहा था और मेरे पीछे बिल्कुल बंदर है और मुझे पता भी नहीं चला। तो भाई जूते उतार के सॉक्स उतार के एंट्री होती है। तो ये अभी कौन सा जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर, वहाँ आए हैं आकाश भाई। तो कितनी बार आओगे यहाँ, पत्ते नहीं हो गए यहाँ के? 2 तारीख को भाई डेली आते हैं, इनका यही रूटीन है, हस्तिनापुर इनकी वो है डेस्टिनेशन, हनीमून भी यहीं आएंगे। तो भाई वैसे हस्तिनापुर जो है वो है पांडवों की राजधानी, बट अभी हम आए हैं दिगंबर जैन मंदिर, क्योंकि अब यहाँ पे ना जैन मंदिर बहुत ज्यादा बना दिए। और पहले आए थे आपने क्या करा था यहाँ पे? मैंने उस वाले ग्राउंड में बैठ के ना पूरी सब्जी खाई थी, मजा आ गया था दोबारा। तो भाई स्कूल में तो तुम्हें पता है स्कूल की ट्रिप आती है, इसे ले अंदर वाले, ये बंदा है जो पत्थर लग गया भाई, ये बिना देख के चल रहा है, इसे ले लो फिर पहले लोगों। और भाई यहाँ पे ये कह रहा हूँ ज्यादा जैन मंदिर, बंदर को भाग गए भाई, बंदर तो यहाँ इतने हैं ना गिनती नहीं है। और भाई हमारे केवीपीएल वाले बहुत गंदे थे टीचर, वो हमें लेके आए थे पर तेरे भाई को नहीं लाए थे, 38 नंबर थे सबके, 39 वाले आए थे भाई, कहा था क्या पहले ही भेदभाव करते हैं भेदभाव, पर अब तुम्हारा भाई खुद आ सकता है। आकाश भाई का कहना है कि ये जितनी सारी चीजें होती है ना फैमिली के साथ होती है, मतलब ये मंदिर वंदिर आजकल के बच्चों की बस की नहीं है भाई, इधर देख फैमिली के साथ आओ भाई, हाँ ये फैमिली ट्रिप वाली है, ये आते हैं ऐसे दोस्त बखलोली करते रहते हैं यहाँ खड़े खड़े बस। सॉरी माय मिस्टेक। तो भाई राजू भाई क्या ले रहे, राजू भाई चुस्की ले रहे, चुस्की
तो भाई अभी हमने खाया क्या था, काला खट्टा गोला बर्फ का। और भाई इसके होंठ देखो मेरे कहाँ हो रहे भाई। अजय देवगन ने इसे विमल का पान मसाला दिया था, होंठ बिल्कुल लाल कर दिया, गलत बात है। और हम घूम चुके हैं दिगंबर जैन मंदिर और अब जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, जम्बू द्वीप। और हमारे स्कूल वाले जम्बू द्वीप ही आए थे। तो गोलू भाई आ गए जम्बू द्वीप, सबसे बेहतरीन जगह घूमने की। आकाश भैया ये रहे हमारे, 10 बार रुक चुके हैं टॉयलेट करने के लिए, पता ना क्या पी के आए आज। राजू भाई आज यहाँ है भी। मेरे पीछे एरावत हाथी भाई, ये देख कब ये हस्तिनापुर आए और जम्बू द्वीप ही नहीं आया, ऐसे कैसे? तो भाई गाड़ी में हॉर्न नहीं था। गाड़ी में हॉर्न नहीं था भाई, हॉर्न लिया यहाँ से, यहाँ से 50 रूपए का हॉर्न लिया इन्होंने। तो भाई अब हम आएंगे हसी के गोलगप्पे, और जो हमारा ऋतिक भाई है कांगा, ऋतिक भाई है, ये सोच रहा सच में गोलगप्पे दे रहे हैं भाई, ये हसी के गोलगप्पे आप देखियो अंदर। तो इसमें तुम्हारा भाई है थोड़ा उल्टा, और गोलू भाई टेढ़े, टांग देखो हमारी टांग टेढ़ी, और भाई इसमें तो पता नहीं ये भाई इसमें छोटे आ रहे हैं। भाई ये था हसी के गोलगप्पे। तो यहाँ पे जितने भी मिरर हैं सबके अलग अलग रिफ्लेक्शन है, किसी में हम छोटे आ रहे हैं, किसी में हम बड़े आ रहे हैं। कौन सा वाला सबसे मिरर बढ़िया था? वो बोने वाला भाई, बोने वाला जिसमें हम बहुत छोटे लग रहे थे मोटे। और अब आए हम दूसरे डिपार्टमेंट में। और तो भाई हमारे पीछे है, आप देख सकते हैं कैलाश पर्वत ना, कैलाश पर्वत। तो भाई हमारे पीछे कैलाश पर्वत वो है। तो भाई ये कैलाश पर्वत, तो भाई यहाँ पे सारी जितनी भी चीज जनरेशन है ना उनके लिए नहीं बनी है ये चीजें। मैंने आपको मना करा था यहाँ नहीं आने का, बट आप कह रहे थे हस्तिनापुर हस्तिनापुर। और सबसे ज्यादा आग लगाई है हमें हस्तिनापुर की भाई ने। भाई कह रहा मैं 121 बार आ रखा हूँ और पहली बार तो ये जम्बू द्वीप आ रहा है। देख लो कितने पतले हैं आकाश भैया, भेड़िया भी हमारे पास छोटी मोटी नहीं है, मोटी मोटी है। जा फिर जा सुमेरु पर्वत। आकाश भाई चल रहे हो सुमेरु पर्वत? पर्वत पे जाना तो छोड़ दिया मैंने, मनाली के बाद छोड़ दिया मैंने पर्वत पे जाना। मनाली के बाद इन्होंने पर्वत में जाना छोड़ दिया। गए हैं सिर्फ सुमेरु पर्वत बहुत पहले, 4-5 साल पहले, और अब बंद कर दिया सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत में ऐसे घूम घूम के जाते हैं। फोन अलाउड है? फोन भी अलाउड था पर आज बंद कर रखा। पूजा वाली जगह और जो लोग पूजा वूजा करते हैं वो लोग करने जाते हैं ऊपर। पुजारी पुजारी, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये रे भाई सुमेरु पर्वत, तो ऐसे नीचे से जाते हैं सीधा ऊपर तक घूम घूम के। गुज्जी ट्रेन चला के कैसा लगा? मजा ही आ गया। और राजू भाई ने ऐसी भगा रखी थी, मैं उसका आपको 5 राउंड लोको पायलट 5 राउंड मिलेंगे आपको। और यहाँ पर एक चीज सही है, आपको जितनी भी सवारी हैं कितने रुपए की बता? 20 रुपए में सारे। हाँ कितने भी भारी हो, इसकी तरह कितने भारी हो, कितने भी भारी हो समझ जाओ ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तो भाई आ गए हैं ऊपर मंदिर से, और जहाँ हमारा मोबाइल छीन लिया गया है भाई, हमें करने नहीं दी ब्लॉगिंग, लेकिन ये सबसे अच्छा था। पर सबसे बेहतरीन यही था, है ना गोलू भाई?
काजी है कहाँ है? कैन यू टेल अवर सब्सक्राइबर्स दैट वी आर मेन चीज तो अब आए हम मंदिर में हम आए हैं भाई कौरवों की राजधानी पूरा पलटा हुआ है जहाँ से महाभारत स्टार्ट नहीं हुआ एंड हुआ ओके सॉरी ब्रो कहाँ है मंदिर ये क्या है जाएंगे भाई मंदिर इधर जयंती माता तो ऐसा कहा जाता है जो ये सामने पीपल का पेड़ है यहाँ पर पांडव खेला करते थे और ये शिव जी का मंदिर है जहाँ पांडव पूजा किया करते थे और ये है पांडवों की पांच मूर्ति जिसमें कहा जाता है इनका चेहरा साफ झलकता था और ये जो पेड़ है ये पेड़ 7200 साल पुराना है जहाँ कहा जाता है कि पांडव अपनी पूजा करते थे ये जो गुफा थी ये सीधा परीक्षित गढ़ में निकलती थी बट अब ये बंद हो चुकी है तो भाई अब जा रहे हैं हम जयंती माता के मंदिर और नीचे जो और लास्ट टाइम हस्तिनापुर में युधिष्ठिर आए थे जब कुरुक्षेत्र हुआ था हमारे साथ हस्तिनापुर में जुड़ चुके हैं हमारे आदित्य भाई ये फोन करके पूछ रहे हैं व्लॉगिंग कैसी हो रही है तो भाई एक मंदिर ये भी है बट ये बंद है यहाँ पे कोई नहीं है एपिसोड नंबर 2 हस्तिनापुर ओ भाई आपको देख सकते हैं आप दूर से हमें कुआं यहीं से दिख गया है देखिए ध्यान से देखिए तो भाई ये है वो कुआं हेलो और इसमें देख लो भाई अब भी पानी है और ये देखो ऐसे चलाती थी द्रौपदी दिखाइयो द्रौपदी ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं में द्रौपदी स्नान करने के लिए आती थी इसलिए ये हस्तिनापुर का प्राचीन कुआं माना जाता है जिसमें आज तक पानी है तो भाई हम जा रहे हैं एक और मंदिर जो कि थोड़ी ऊपर है और भाई अगर आपको आना हो यहाँ तो एक बार जरूर आना क्योंकि जो ये पांडवों वाली जगह है ना राजू मार देता पर हम मना बहुत मस्त है बता दो थोड़ा लोगों को ज्ञान दे दो एक बार बता दो क्या कह रहे हो मैं पलटा हुआ है देखो मैं खोल देंगे यहाँ पे सोना निकलेगा तो भाई ये पलटा हुआ है बहुत साल पुराना ऐसा कहा जाता है कहा जाता है पलटा हुआ हाँ तो इस जगह को क्या मिला था श्राप मिला था श्राप नॉट अ शराब हाँ नॉट शराब लाइक हिम श्राप ठीक है तो इसलिए पलटा हुआ है कितने 700 कितने साल 17000 सदियों पुराना सदियों पलटा था शायद परसों पलटा है तो भाई हस्तिनापुर का सफर यहीं खत्म होता है और वीडियो को यहीं खत्म करते हैं आकाश भाई एक लास्ट वाली लाइन बोल दो भाई क्लिप कौन सी वाली भाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और मुझे जरूर देखें भाई को जरूर देखें भाई की फैन फॉलोइंग और आकाश भैया ऐसे इनकी पिछली वीडियो में एक स्लोमो रह गई धमका रहे फोन करके हेलो कहाँ है मेरी स्लोमो नहीं आई तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और आज की वीडियो यहीं खत्म।